तो आज मैं बात करूंगा एज अ फाउंडर ऑफ सुपीरियर सोसाइटी एंड एज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सुपीरियर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सुपीरियर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वी नीड टू एस्टैब्लिश अ सुपीरियर सोसाइटी, एक सुपीरियर समाज की स्थापना करनी है। सुपीरियर उसके अंदर क्या है? सुपीरियर उसके अंदर ये है कि हर एक इंसान अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपनी खूबियों को पहचान जाए और उसको पहचानने की राह में, अपनी खूबियों को, अपनी प्रतिभा को निखारने की राह में ही अपना जीवन गुजार दे। उसी के अंदर उसको मिलेगी असली खुशी, असली सम्मान, असली महत्व, और जो भी उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेंगे, जो पैसा मिलेगा, जो मटेरियल वेल्थ मिलेगी, जो मटेरियल एक्यूमुलेशन उसका होगा वो होगा, बट वो उसका जीवन का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसको जो असली खुशी थी, जो ट्रू फुलफिलमेंट था, वो तो उसको वैसे ही मिल रहा है, राइट? तो ये उद्देश्य है। अब ये स्थापना क्यों की गई, क्यों मैंने की है, वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि सोसाइटी के अंदर ऐसा हो नहीं रहा है और मैं इस राह के ऊपर चल रहा हूँ पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से, जब से मैंने ये अक्टूबर 2016 से सुपीरियर सोसाइटी की स्थापना की, तब से तो मैं डेली बेसिस पर एवरी सिंगल आर, एवरी सिंगल वेकिंग मिनट चल रहा हूँ। लेकिन उसके पहले भी मैं 10 साल से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं 10 साल से इसी राह पे चल रहा हूँ। तो जब मैंने कंटेम्पलेट किया, ये विचार किया, मैं मंथन बहुत करता रहता हूँ, तो मुझे पता चला है कि मैं तो इसी रास्ते पर चल रहा हूँ, तो क्यों ना इसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर आ गई है, एक रिवोल्यूशनरी कल्ट बनकर आ गया सुपीरियर सोसाइटी के नाम से, और एक ऑर्गेनाइज रिलीजन बन गया सुपीरियरिज्म के नाम से, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये जो सोसाइटी है, ये इस कगार पर क्यों पहुंची है? इस कगार पर इसलिए पहुंची है क्योंकि सबके अलग अलग तरीके हैं। जो एथिकल वे में देखें तो जो क्या है कि ह्यूमन माइंड का जो ग्रीड है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर हावी हो गया है, जो गुलामी है वो हावी हो गई है। हिंदुइज्म के तरीके से देखें तो जो कलयुग का प्रकोप है, और कुरान और बाइबल के हिसाब से देखें तो बेसिकली जो शैतान है उसने क्या इंसान को इस तरीके से काट लिया है, शैतान नाम का जो सांप है उसने काट लिया है। तो ये जो कुछ लोगों के अंदर जो ग्रीड है वो बहुत हावी हो गया है, जो लालच है, जो लोभ है, वो बहुत हावी हो गया है, और बाकी पूरी की पूरी सोसाइटी उस लालच की वजह से, उन चंद लोगों के लालच की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी गुलाम बन गई है। अभी गुलाम कैसे बन गई है? गुलाम बनाने के लिए क्या है कि एक सिस्टम बना दिया जाता है जो पूरी की पूरी सोसाइटी को, पूरे के पूरे समाज को सदियों सदियों तक, नस्लों दर नस्लों, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक गुलाम बना के रखता है। वो कुछ कुछ जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बात करी थी, बैंकिंग अपने आप में, जो वेस्टर्न बैंकिंग है वो अपने आप में एक सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है ये अपने आप में एक सिस्टम है, उसके अलावा जो पेरेंटिंग है वो एक सिस्टम है, जो एजुकेशन है वो एक सिस्टम है, और कुछ एक दो हज़ार साल पहले जब ये वर्ण व्यवस्था आई थी हिंदुओं के अंदर, कि ब्राह्मणों ने अपने पास वेद रख लिए थे और बोला था कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही वेद पढ़ेंगे, तुम तो शूद्र हो, तुम गालियाँ साफ करो, तो इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था आई, तो अलग अलग टाइम और स्पेस डोमेन के अंदर अलग अलग लोगों ने अपने अपने षड्यंत्र लगाए हैं सोसाइटी को गुलाम बनाए रखने के लिए। तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, ये मुझे अपना फ़र्ज लगता है। ये फ़र्ज मुझे क्यों लगता है? क्योंकि ये मेरा नो दाय सेल्फ है, मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं ये करने के लिए बना हूँ, और मैं ये सब करने के लिए बना हूँ, गिटार बजाने के लिए, पियानो बजाने के लिए, तबला बजाने के लिए, माइक्रोफोन बजाने के लिए, फ्लूट बजाने के लिए, गाने के लिए, रैप लिखने के लिए, और स्पेनिश सीखने के लिए, उर्दू सीखने के लिए, गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए, और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, और ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करने के लिए, और स्पिरिचुअलिटी की बातें करने के लिए। तो ये मेरा नो दाय सेल्फ है। तो जब इंसान का नो दाय सेल्फ हो चुका होता है तो वो एनलाइटेंड हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, वो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, और वो मुक्त हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। और यही मेरी क्रांति है, ये मेरा संदेश है कि हर एक इंसान जब अपने आप को पहचान जाए तो समाज के अंदर एक स्वतंत्र सोसाइटी की, मतलब एक वी कैन थिंक ऑफ अ लिबरेटेड सोसाइटी, एंड दैट लिबरेटेड सोसाइटी विल बी अ सुपीरियर सोसाइटी। क्योंकि हर एक इंसान अपनी अपनी प्रतिभा को निखार रहा होगा, और किसी इंसान के ऊपर हुकुम चलाने के लिए, किसी इंसान को गुलाम बनाने के लिए, मतलब कोई षड्यंत्र करेगा नहीं, तो हर एक इंसान स्वतंत्र रहेगा पूर्ण रूप से। एक ऐसे स्वतंत्र समाज की कल्पना है। तो जैसे कि आज पेरेंटिंग की बात करेंगे हम, तो पेरेंटिंग भी एक ऐसा सिस्टम है जो चली आ रही है काफी सदियों से, और उसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी गुलाम बनी हुई है। एक महान कोट है, वो महान कोट या किसने कही थी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कोट कुछ यूं है, द बिगेस्ट मिस्टेक सोसाइटी कैन डू इज टू एज्यूम ऑथोरिटी एज ट्रुथ इंस्टेड ऑफ ट्रुथ एज ऑथोरिटी। मतलब जो गुलाम बनाने वाले लोग हैं, जो वर्ग है, वो जो कहते हैं
उनकी बातों को ही सत्य मान लेना ये गुलामी है, बजाय ये कि आप सत्य की तलाश करें और फिर उस सत्य के सामने सर झुकाएं, उस सत्य की पूजा करें, उस सत्य को फॉलो करें। तो ऐसा सोसाइटी करती नहीं है। कुछ लोग के अपने हाथ में ताकत ले लेते हैं और बोलते हैं कि जो हम बोलेंगे, जो हम आपको करने के लिए कहेंगे, वही सत्य है और उसी को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ से एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत ही एक रेबेलियस कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। वो बात सुनने में अच्छी लगेगी नहीं, बट मैंने इस पर काफ़ी विचार किया है, काफ़ी मंथन किया है, काफ़ी रिसर्च किया है, तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ दैट पेरेंट्स आर नॉट गॉड। जो बोलते हैं ना कि हमारे माता पिता भगवान होते हैं, ये माता पिता भगवान नहीं होते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि माता पिता अपने आप में एक सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी अपने आप में गुलाम है किसी न किसी स्तर पर। तो योर पेरेंट्स आर ऑल्सो स्लेव, सो वेन यू फॉलो द वर्ड्स ऑफ स्लेव्स यू विल ऑल्सो बिकम स्लेव। अभी मैंने कुछ रिसर्च की थी तो उससे पता चला है कि मैंने रिसर्च किया था, कि ये गूगल किया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है। वो प्रोबेबिलिटी कुछ यूँ निकल कर आई थी, वन डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10 की पावर 12, मतलब 12, 13, 14, 4 के बाद 14 जीरो है और फिर 4 है, 4 इंटू 14 जीरो का उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि ये ह्यूमन लाइफ की प्रोबेबिलिटी है। ह्यूमन लाइफ की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? ह्यूमन लाइफ की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे कि ये शरीर है मेरा, ये 5 महाभूतों का बना हुआ है, 5 महाभूत कौन कौन से हो गए भाई? धरती है, जो खाना वाना खाया वो धरती में से निकला है, सॉलिड। उसके अलावा आकाश है, खाली जगह है जो बॉडी के अंदर होती है, और बॉडी के अंदर तो है ही, ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन एटम्स, और एटम्स के अंदर तो 90% से ज्यादा खाली जगह ही है। तो एक जो मेरा बॉडी का जो उत्तक है, जो टिश्यू है, जो एक एक सेल है, वो उसके अंदर भी खतरनाक खाली जगह है, स्पेस है। तो ये आपका अर्थ है, फिर स्पेस है, आकाश है, फिर पानी है, उसके अलावा वायु है, और बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, मतलब कि अग्नि है। तो ये 5 महाभूतों का बना हुआ शरीर है। अब दुनिया में हर एक चीज़ 5 महाभूतों की ही बनी हुई है, सारे के सारे पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, शेर, गाय, पहाड़, और जो भी कुछ ले लो, सारे के सारे मेटल, सब कुछ 5 महाभूतों का ही बना हुआ है। अब इसको आप आस्तिक तरीके से ले लें या नास्तिक तरीके से ले लें, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये भी 5 महाभूतों का एक कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही खतरनाक सा, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट डिजाइन है। और एक आप पेड़ ले लें, वो पेड़ भी 5 महाभूतों का एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। लेकिन जो नेचर है, जो नास्तिक लोग हैं उसको नेचर की तरीके से लेंगे, एक फोर्स की तरीके से लेंगे, जो आस्तिक लोग हैं वो उसे जीव की तरीके से लेंगे, परमात्मा की तरीके से लेंगे। तो कैसे भी ले लो यार, वो तो वर्ड का अलग अलग वर्ड है, लेकिन अल्टीमेटली बात तो लाइफ फोर्स की चल रही है। तो एक जो पेड़ है उसके अंदर भी लाइफ फोर्स है, या परमात्मा है, या नेचुरल नेचर का एक लाइफ फोर्स है, और जो इंसान का शरीर है इसके अंदर भी एक लाइफ फोर्स है, या फिर परमात्मा है, जो भी जैसे भी समझना है समझ लो। बट ये जो एक इंटेलिजेंट रूप है 5 महाभूतों का, वो जैसे बात करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, ऐसे अपने एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज कन्वे करने के लिए, इन सब के केपेबल है, वो जो पेड़ है वो नहीं है। लाइफ फोर्स, सेम लाइफ फोर्स इस शरीर के अंदर भी है, वो सेम परमात्मा, सेम लाइफ फोर्स उस पेड़ के अंदर भी है, लेकिन उस पेड़ के अंदर ये खासियत नहीं है, ये कैपेबिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 महाभूतों का जो कॉम्बिनेशन वो पेड़ बना है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो परमुटेशन है, वो अपने आप में इतना इंटेलिजेंट है नहीं जितना इंटेलिजेंट ये ह्यूमन बॉडी है। और आप 5 महाभूतों पर लीजिए तो ऐसे आप इतने बनाएंगे ना, इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इतने सारे अलग अलग आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें से एक स्ट्रक्चर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, ये 400 ट्रिलियन है, 400 ट्रिलियन है, तो इतने ट्रिलियन, 400 ट्रिलियन आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके अंदर अगर लाइफ फोर्स जाएगा तो वो इस तरीके से बात करने के काबिल होगा। तो When a man interacts with a woman, when a man and a woman interact with each other, then this life force come into this particular existence. तो ये एक बहुत ही बड़ा coincidence है, ये एक miracle है। ये miracle जब किसी के घर में होता है,
है, जब किसी फैमिली में होता है, किसी दंपति के घर में होता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वी आर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। हमारे घर के अंदर लड़की आती तो बोलते हैं कि देवी आई है। वो ठीक है, वो तो एक सोशल कंडीशनिंग हो गई है, तो लड़की आई है तो उसे देवी बोलते हैं। वैसे लड़का आता तो आपको बोलना चाहिए कि नारायण आए हैं। एक्चुअली जब आपके घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है तो वो नारायण आपके घर के अंदर आते हैं, और जो बच्ची पैदा होती है तो देवी आपके घर के अंदर आती है, लक्ष्मी आपके घर में आती है। अब क्या है कि वो जो एक डायलॉग चला हुआ है कि हमारे घर में नारायण आए, नारायण तो कोई बोलता ही नहीं, हमारे घर के अंदर लक्ष्मी आई है, तो उसको बुलाकर भूल जाते हैं। अब उसके बाद उस बच्चे को ये सिखाने लगते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना है, पेरेंट्स से आपके भगवान है। अरे ये मेरे को समझ में नहीं आता उस मोमेंट पे, तो वो जो बच्ची थी वो भगवान थी, ये जो बच्चा था नारायण का स्वरूप था, और ऐसे बोलते हैं ये बच्चे भगवान का स्वरूप है। ये बस एक डायलॉग है ना, लोग बोल के भूल जाते हैं, इस पर कोई चिंतन करता नहीं है। मैं तो घंटों घंटों इसके ऊपर चिंतन करता रहता हूँ, मंथन करता रहता हूँ कि ऐसे क्यों बोला होगा कि जो बच्चे होते हैं ये भगवान का स्वरूप होते हैं, बच्चे जो होते हैं नारायण के स्वरूप होते हैं, जो बच्चा होता है वो सत चित आनंद सच्चिदानंद होता है। जो आर्य समाज में 19 गुण दिखाए गए हैं भगवान के, परमात्मा के, उसमें से एक गुण सच्चिदानंद भी है। तो सत चित आनंद, जिसके चित्त के अंदर सत्य है और वो आनंदमय रहता है, वो जो बच्चा होता है वो सच्चिदानंद है। तो इस पर तो कोई ज़्यादा डिस्कशन करता ही नहीं है यार, ना कोई इस पर ज़्यादा एनालिसिस करता है। So you need to understand, when I am married with a woman and she gives birth to a son, so that son is God arrived in a human body in my home. So it is my duty to find out why God himself has arrived in a human body in my home. Please understand that as a father or as a mother, as parents, it is our duty to find out. This is the only duty as a parent we have, to find out why the God, the nature, the universal force, the life force has arrived in this miraculously, probabilistically, human body in my home. वो मुझे पता लगाना है, ये मेरा फर्ज बनता है। मेरा फर्ज ये नहीं बनता कि मैं अपने बच्चे को मार मार के ये उसके ब्रेन के अंदर उसकी कंडीशनिंग करूं कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। नो 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 नो, मम्मी पापा ने आपको जन्म नहीं दिया, आपका जन्म तो एक मिराकल के चलते हुआ है, परमात्मा की मर्जी से हुआ है, एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी के चलते हुआ है। योर पेरेंट्स डिड नॉट गिव बर्थ टू यू, योर पेरेंट्स वर चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिराकल। योर पेरेंट्स वर चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिराकल। ये जो एक खतरनाक एक दैवीय चमत्कार हुआ, किसी घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही बड़ा क्वांटम मैकेनिकल मिराकल है। उस प्रोसेस के अंदर उन दो हस्बैंड वाइफ को चुना गया है, सो दे आर ब्लेस्ड, एक्चुअली दे आर ब्लेस्ड, दे आर चोजन वन, दे शुड बी ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ चाइल्ड इंस्टेड ऑफ टीचिंग देयर चाइल्ड टू बी ग्रेटफुल टू हैव पेरेंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि पेरेंट्स का फर्ज यह बनता है कि उसके घर के अंदर नारायण स्वयं आए हैं, उसके अंदर लक्ष्मी स्वयं आई है, उसके घर के अंदर पांच महाभूतों का एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर अल्लाह ने जान फूकी है, या फिर जो नेचर है, तो लाइफ फोर्स है, वो खुद ही मिराकुलसली क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिस्टिकली उसके घर के अंदर अराइव हुआ है, तो वो पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वो पता करें
ये मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी एरी एरी बात नहीं है, मतलब वो पांच महाभूतों के पास तो 400×10^12 ऑप्शंस थे यार। वो चिड़िया बन जाता, वो पत्थर बन जाता, वो पहाड़ बन जाता, वो नदी बन जाता, वो कंकर बन जाता, वो शेर बन जाता, वो इंसान बन के आपके घर के अंदर क्यों आया है, वो इंसान बन के आपके घर के अंदर एक विशिष्ट पर्पस को सर्व करने के लिए आया है, जो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पता लगाएं। जो कि 30 साल की उम्र में मैं पता लगा रहा हूँ कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं गिटार बजाने के लिए आया हूँ, मैं पियानो बजाने के लिए आया हूँ, मैं तबला बजाने के लिए आया हूँ, और फिर दोबारा तारीख के करूँ ये सब करने के लिए आया हूँ। तो मैं नो दैट सेल्फ अब खुद ही कर रहा हूँ। आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एनस्लेवमेंट आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर माई सेल्फ एक्सक्लूसिवली ऑन माई ओन, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम सोसाइटी एंड माई पेरेंट्स एंड माई एजुकेशन। प्रैक्टिकली एवरी सिंगल बॉडी अंडर द सन ऑन दिस प्लैनेट I am experiencing a resistance from them, and still I'm doing it. You need to understand, this is not my duty. This was the duty of my parents. This was the duty of my teachers. क्या जैसे कि for example, बहुत सारे एक ये जो parenting है ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। जैसे कि मान लो कि मैं 7वीं 8वीं क्लास के अंदर था, 6वीं क्लास के अंदर था, तो उस टाइम पर अखबार हमारे घर में आता था। तो अखबार में खोल के देख रहा हूँ तो जो टॉप का फ्रंट का पेज है उस पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खबर आ रही है तो उसमें मेरा दिमाग जाता था, फिर पन्ने पलट देता था, शहर में क्या हो रहा मुझे मतलब नहीं है। फिर जो देश विदेश का 6वें 7वें पेज के ऊपर एक और अखबार एक पेज आता था उसको मैं अच्छे से पढ़ता था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो ऐसे वेन नारायण अराइव्स इन योर होम, यू नीड टू फाइंड आउट वो जो नारायण है ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपके घर के अंदर बैठे हैं, आपका बेटा बन के आपकी बेटी बन के वो अखबार अगर पढ़ रहे हैं तो उनका दिमाग कहाँ जा रहा है, वो किन चीजों के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वहां से इंटरेस्ट आपको ढूंढ रहे हैं, और फिर उस इंटरेस्ट से रिलेटेड और किताबें, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड और इस तरीके से जो फैकल्टी वगैरह होते, जो टीचर्स होते, विचारक होते, उन लोगों से उनकी मुलाकात करवानी होती है। उनकी किन की, आपके घर के अंदर जो नारायण आए हैं, जो आपका बच्चा है, उनकी मुलाकात करवानी होती है। उसके अलावा जैसे कि मेरे मामा जी थे, मेरे मामा जी किताबें और अखबार वगैरह बांटने का काम करते थे, हॉकर, तो उनके किताबों में जो मैगजीन वगैरह होती है उनके थैले के अंदर मैगजीन पड़ी रहती थी, अलग अलग प्रकार की मैगजीन पड़ी रहा करती थी, उसके अंदर कॉमिक्स भी हुआ करती थी, उसके अंदर ग्रह शोभा वगैरह जैसी किताबें भी होती थी, उसके अंदर क्रिकेट सम्राट जैसी भी होती थी, नन्हे सम्राट भी होती थी, और ना एक निरोगधाम आया करता था, निरोगधाम। तो निरोग धाम एक आयुर्वेद की मैगजीन आया करती थी महीने में एक बार। मैं जैसी वो मैगजीन आती थी ना, मतलब खरीदने की तो मेरी क्षमता हो ही नहीं करती थी, और पैसे वैसे भी मैं क्या मांगू, मतलब पेरेंट्स डू नॉट केयर, पेरेंट्स केयर की मतलब बच्चा स्कूल रोज जाए, तो मैं रोज स्कूल जाता था, रोज होमवर्क करता था। स्कूल के लिए आपको किताबें चाहिए, स्कूल के लिए आपको बेल्ट चाहिए, जूते चाहिए, ड्रेस चाहिए, स्कूल की वॉट एवर फीस है वो सब इंतजाम है, एनस्लेवमेंट के लिए सारे इंतजाम है। बट जिस पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करने के लिए नारायण इस घर के अंदर आया है उसको ना तो एक्सप्लोर करना है, ना देखना है, ना ऑब्जर्व करना है, ना एक्सप्लोर करना है, और ना पूछना है। तो मतलब वो कभी कभी जब मेरे घर में आते थे मामा जी, तो उनके थैले के अंदर ये मैगजीन रहती थी, तो मैं पढ़ लेता था। और उस जमाने में ना तो कोई स्मार्टफोन हुआ करते थे, ना कंप्यूटर हुआ करते थे, तो मैं हाथों से नोट्स बनाकर रख लेता था और वापस वो किताब लौटा देता, इतना मतलब पैशन था। तो वो था पैशन। The God, the life force arrives in human body to do something creative passionately. तो passion सब खत्म कर दिया। इसी प्रकार से मेरे नाना जी के एक दोस्त थे बैप्टिस्ट करके, वो शहर के दूसरे कोने में रहते थे, वो इन सब चीजों के अंदर, आयुर्वेदिक चीजों के अंदर काफी मतलब उनको एक्सपीरियंस था। तो वो क्या कि रंगीन बोतलें होती हैं, हरे कलर की बोतल है, नीले कलर की बोतल है, पीले कलर की बोतल है, इन बोतलों के अंदर पानी भर के धूप में रख देते थे, फिर वो पानी के अंदर धूप के गुण आ जाते थे, इसी प्रकार से तेल बनाया करते थे। तो इन चीजों के अंदर मुझे काफी रस आता था, तो मैं शहर के दूसरे कोने में साइकिल चलाकर उनके पास पहुंच जाता था, पूछता था ये सब क्या हिसाब है, ये क्या है, वो क्या है, उसके अलावा फिर मुझे कुछ पढ़ने के लिए देते। तो इतना रिसर्च कर रहा हूं मैं, मतलब मैं तो एक तो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, कभी फेल नहीं होने वाला, एकदम रेगुलर फर्स्ट बेंच पर बैठने वाला और रोज क्लास जाने वाला, एक तो आदर्श आज्ञाकारी सिंसियर स्टूडेंट भी हूँ ना, वो एनस्लेवमेंट भी चल रहा है, उसके अलावा ये काम मैं खुद ही अपने पैशन से कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर कोई ध्यान दे ही रहा।
इसमें क्या करना चाहिए था, अरे भाई इस प्रकार की बोतलों की बाड़ लगा देनी चाहिए थी, इस प्रकार की बोतलों से संबंधित जो भी साहित्य है, जो लिटरेचर है, जो भी बुक्स है, उनकी बाड़ लगा देनी चाहिए थी। जो वो नाना जी के दोस्त थे अब तो चल बसे और वो ज्ञान उनके साथ ही चल बसा, तो ऐसे लोगों की बाड़ लगा देनी चाहिए थी, फिर वो ज्ञान मेरे अंदर आ जाता, फिर वो मेरे अंदर ज्ञान आ जाता तो मैं उसकी समाज की सेवा करता, उस समाज की सेवा करने के चलते लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता, मुझे सम्मान मिलता, मुझे महत्व मिलता और मुझे पैसे भी मिलते, मैं मुक्त हो जाता, पूर्ण स्वराज की स्थापना हो जाती मेरे जीवन में। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं कितना ही गिनाऊँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्रिकेट अकेडमी भी ज्वाइन करवाया था। तो सोसाइटी के अंदर है ना, पेरेंट्स आपके लिए करते तो हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो आपको देखकर नहीं करते, ये तो एंसलेवमेंट है। वो जो नारायण उससे घर में आए हैं और नारायण जो 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 ट्रेट्स, जो गुण डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, वो उनको देखते हुए नहीं करते, वो सोसाइटी को देखते हुए करते कि देखो उसका बच्चा क्रिकेट अकेडमी में ज्वाइन कर रहा है, आप भी अपने बच्चों को ज्वाइन करवा दो। हम तो कर रहे हैं भाई, हम तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, उसके अलावा वो देखो वो डांस क्लास ज्वाइन कर रहा है तो हम भी अपने बच्चों को डांस क्लास ज्वाइन करवा देते हैं, उसका बच्चा कंप्यूटर ज्वाइन कर रहा तो हम भी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करवा देते हैं, उसका बच्चा कराटे के लिए ज्वाइन कर रहा है आप भी कराटे के लिए ज्वाइन करवा देते हैं, उसको तबला सिखवा देते, ये सिखवा देते, वो सिखवा देते हैं। अरे तो ये जब मेरे अंदर इतनी वीरता जाग गई तो आज मैं ये बात कह रहा हूँ, जिंदगी भर मैं उस कुंठा से ग्रसित रहा कि वो जो क्रिकेट एकेडमी का जो वो जो कैंप था उसके अंदर मतलब इतना मैं इतना फियरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि जब बॉल आती थी, बॉल से मैं कभी रिलेशनशिप बना ही नहीं पाया, बॉल जैसे कि नीचे से रगड़ते हुए आ रही और बहुत तेज स्पीड से आ रही, तो मैं बैठ रहा हूँ उसको लेने के लिए, जितनी देर में बैठता था उतनी देर में बॉल मेरे नीचे से निकल जाती थी। इसके अलावा जब मैं बॉलिंग करता था तो मतलब बैट्समैन वहाँ खड़ा है और बॉल वहाँ जा रही है, तो बॉल का मुझे सेंस नहीं, ना तो कैच करने का ना फेंकने का, तो बॉल से मेरे को हमेशा से डर लगता था। अब चूंकि मुझे लाइफ में क्लैरिटी थी नहीं, मेरा नो दैसेल्फ हुआ नहीं, तो मुझे जानबूझ के ऐसी चीज़ों में लगा दिया गया जो मैं काम करने के लिए आया नहीं था, तो उन चीज़ों ने क्या किया, मेरी लाइफ के अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर दी, एंड आई डिड नॉट डिजर्व इट एंड नोबडी डज। तो 9 साल के अंदर मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं जो मैथ्स उनसे नहीं संभला, मैथ्स के अंदर वीक थे। अब उनको कौन बताए कि तुम यार मैथ्स पढ़ने के लिए तो आए नहीं हो, ना तुम इंजीनियरिंग करने के लिए आए हो, ना तुम IIT बनने के लिए आए हो, ना तुम इंजीनियर बनने के लिए आए हो, तुम कुछ और करने के लिए आए हो। अब वो जो करने के लिए आए हैं वो पहचानने के लिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की, शिक्षक की और पेरेंट्स की, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं है तो पूरा का पूरा बचपन जल जाता है। तो जो वो करने के लिए आया है नारायण, इस परमात्मा जो आया है इस शरीर के अंदर, वो तो पता किया नहीं गया, उस दिशा में तो उसको भेजा नहीं गया, ये दूसरी दिशा में उसको जबरदस्ती डाल दिया, उसकी वजह से वो एक तो अपनी एक्चुअल प्रतिभा है उसको तो भूल ही गया, और जो नई चीज आ गई है उस और उसको कर नहीं पाया, उसकी वजह से वो इनसिक्योर होकर, दमित होकर, कुंठित होकर अपना जीवन गुजार रहा है, और इसलिए हेंस ही हैज बिकम अ स्लेव। और अब वो भागता है पैसे के पीछे, और उससे उसको खुशी नहीं मिलती तो भागता नशे के पीछे, और उससे उसको खुशी नहीं मिलती तो फिर क्रिकेट मैच देखता है, और उससे खुशी नहीं मिलती तो फिर वैश्यावृत्ति करता है, फिर उससे खुशी नहीं मिलती है तो गप्पेबाजी करता है, उससे खुशी नहीं मिलती तो फिर जाके शॉपिंग करता है। तो फिल्मों का गुलाम है, क्रिकेट का गुलाम है, शॉपिंग का गुलाम है, नशे का गुलाम है, फास्ट फूड का गुलाम है, व्हाट्सएप का गुलाम है, फेसबुक का गुलाम है, इन सब चीज़ों का गुलाम बन चुका है। और ये एक सिंगल एग्जांपल है, दिस इज द केस विद प्रैक्टिकली एवरी सिंगल पर्सन अराउंड द प्लैनेट।